प्रधानपति पर लगाया सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे एवं सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप। प्रधानपति द्वारा सरकारी संपत्ति में अवैध कब्जे एवं सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में ग्राम बहेड़ी रोशनपुर थाना भगतपुर में रहने वाले सुखनलाल पुत्र रामचरण ने मुरादाबाद जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर बहेड़ी रोशनपुर के ग्राम प्रधानपति व ग्राम प्रधान के खिलाफ सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे एवं सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में और सामुदायिक शौचालय में बड़े घोटाले को लेकर शिकायत की है और पूरे मामले की निष्पक्ष अधिकारियों से जांच करने की मांग की। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ब्लॉक भगतपुर जिला मुरादाबाद में सामुदायिक शौचालय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सितंबर 2020 में सार्वजनिक शौचालय ग्राम बहेड़ी में साधन सहज समिति के बराबर में निर्माण पूरा किया गया, लेकिन अनियमितताएं स्पष्ट प्रदर्शित होने पर सार्वजनिक शौचालय का पुनः निर्माण किया जा रहा है। पूर्व में भी सरकारी धन से किया गया निर्माण जो सार्वजनिक प्रयोग से पहले ही ध्वस्त किया गया है, ये कृत्य उत्तर प्रदेश सरकार की किस योजना के अंतर्गत आता है और इस लापरवाही के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इन सब बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसी कई बातें हैं जो प्रधानपति के खिलाफ जांच के बाद सामने आ जाएंगी। ये गांव में बनने 16 शौचालय जी, एक बार जब बना वो छोटा बना, जैसे बना तोड़ दिया, घर मानक से नहीं बना था तो तोड़ दिया। अब फिर दोबारा बना है, फिर भी मानक वही, कोई मानक नहीं लगा दिया सरकार द्वारा, तो सब घटिया ईंट लगाई जा रही है। प्रधान ऐसे काम कर रहा है कि कोई पूछिए मत, कि सरकारी जगह को बेच करके अपना स्वार्थ के पैसा कमा रहा है। अपना मकान बनाया और वो 8 लाख रुपए में बेच करके और दूसरी जगह अपना मकान बना लिया प्रधानपति ने। ये प्रधानपति और प्रधान दोनों मिलकर के ये काम कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ करी? शिकायत अपने बी जी साहब के लिए हमने उसकी जो मांगी है RTI के द्वारा, उसकी जाँच भी मांगी है। तो आज शिकायत करके कहाँ पर आए हैं? आज DM साहब के पास मैं आया था। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका होगा इसकी जाँच होगी।